National Anthem by Noor Akhtar असलकुम आफाक फारुकी आपको यकीन ये वीडियो पसंद आया होगा ये मेरे एक दोस्त हैं डेलिस में वेरी काइंड वेरी हम्बल वेरी एलिगेंट और बड़े ह्यूमनिस्ट कहना चाहिए मैं काश ज़्यादा कह सकता क्योंकि कहना यूँ अच्छा लगता कि खुशामद सी लगती है बस मैं ये कहूँगा कि बहुत हसास हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान ये उनकी साहबज़ादी हैं दस साल की इसमें बस एक मैसेज है कि जो अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं वो पाकिस्तान के बारे में कितना कंसर्न है किस अंदाज़ से देखते हैं सोचते हैं उनके फ़िक्र का भी इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पैदा होने वाले बच्चे माँ बाप की तरबियत माँ बाप की रगबत और माँ बाप के कहने से पहले तो ये मुमकिन नहीं है ना कि वो अपने तौर पे इतना कुछ सीख सकें उन्हें कोई गाइडेंस मिलती है कोई दिखाता है रास्ता ये रोशनी तो वहाँ तक जाते हैं तो इन बच्चों को यहाँ सेव रखने के लिए आप लोग भी कुछ, कुछ सोचें मैं आखिर में आपको एक और वीडियो दिखाऊँगा कि ये जो ग़ुलामी के नारे हैं ये जो एंटी पॉलिसी की अपनी तस्वीर बयान की जाती है तो उसे भी आप देखिएगा आपको अंदाज़ा होगा कि कल मैंने एक तस्वीर वायरल की मौतरम जनाब सलमान इकबाल साहब की जो एर वाई के सी ओ हैं और इमरान ख़ान साहब की ट्रोलर आर्मी के चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं उनका चैनल तो वहाँ बंद है वो के पैमरा तो ये कहता है कि हमने बंद नहीं किया जो स्टेट हमारी मुनाफ़्क़त करती है झूठ बोलती है क्योंकि प्रेशर से बंद करवाए जाते हैं ना इस तरह के काम ये पहले इन्हीं के मुखालफ चैनल जियो के साथ होता रहा है बरसों होता रहा है अब इनके साथ हो रहा है तो मगर ये खुद अमेरिका आके बैठ गए हैं तो ये तस्वीर मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर भी आप देख लें तो फिर गुफ्तु होगी मेरा अल्लाह जानता है मेरी कोई जाती परखाश नहीं है आपको पता है कि जब चैनल बंद हुआ तो मैंने किस तरह से मजम्मत की क्या हिमायत की जो कुछ कहा कोशिश करता हूँ कि बैलेंस रहे बात मगर मुझे दुख ये है कि जब ये मगरबी तहजीब से निजात के लिए खान साहब के बयानीों को आगे बढ़ाते हैं गुलामी इम्पोर्टेड हकूमत ये सब कुछ दिखाते हैं दुख होता है कि अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने ख़ानदान के लिए तो आपकी चॉइसेस कुछ और हैं मगर आम गरीब पाकिस्तानी जिसे सौ रुपए किलो का आज आटा लेना पड़ रहा है जिसकी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं है आटे चावल घी और दाल की तलाश के सिवा उसे क्या सिखा रहे हैं इकतदार चाहिए हिस्सा चाहिए बड़े रास्ते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ जरदारी या ट्रेडिशनल सियासतदान इन्होंने पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं दिया मगर गौरतलब बात यह है कि क्यों नहीं दे सके ये लोग कौन थे कहाँ से आए कैसे आए कौन लाया इन सवालत की रोशनी में जब तक आप चीज़ों को नहीं देखेंगे देखें मुझे आज ये कहने में कोई यार नहीं है मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में वे व इमरान ख़ान की इसमें कोई सुनने को भी तैयार नहीं है उनकी ट्रेडिशनल सियासत से नफ़रत ख़ास साहब के झूठे बयानियों को उर्वज मौल्ला पे ले जा चुकी है खास साहब की कोई बात सच नहीं है मैं अपनी बात पे कायम हूँ और मैं यकीन कामिल से ये बात कहता हूँ पूरे अपने ईमान की रोशनी में कि खास साहब सियासतदान ही नहीं है या तो प्लांटेड है या जिंदगी से वाकिफ़ ही नहीं है मैं इस पर दर्जनों पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ मगर एक बात है कि ख़ास साहब पाकिस्तान की नई अखलाकियात का चेहरा है कोई माने कोई ना माने कि जो गुज्तर पिछहत्तर साल में बोया गया वो ख़ास साहब की शक्ल में सामने आया है कि रियासत के सारे झूठ रियासत की सारी मकारियाँ मुनाफ़तें सियासतदान जिस तरह से लेकर आए लाए तो ख़ासाब को उन सारी चीज़ों जो पचहत्तर साल में बोई थीं वो सब एक जगह जमा करके खास साहब में डाल कर सामने लेकर आए थे कि खार साहब को अमेरिका से ग़ुलामी से निजात दिलवानी है मगरबी तहरीब से निजात दिलवानी है जहाँ उनके अपने बच्चे रहते हैं जो पंजाबी उर्दू से वाकिफ़ भी नहीं हैं उनकी तस्वीरें जो अब तक दुनिया में वायरल हैं वो देखें कि वो कहाँ कहाँ घूमते हैं मगर ग़रीब के बच्चे के लिए रियासत मदीना है वो रियात मदीना जो चौदह सौ साल पहले एक बहुत मख्तसर से अरसे के लिए रही थी फिर उसके बाद उस सियासत मदीना में जो जो कुछ भी हुआ वो तारीख का हिस्सा है उसी के बुनियाद पे दो अजीम फिर वजूद में आए देखें गौर से मैं नहीं डरता जो मेरे दिल में है मैं कहना चाहता हूँ सवालात होने चाहिए उनके जवाब आने चाहिए देखें अभी शबाज शरीफ ने फिर रिपीट किया कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी बचानी है चलानी है तो नेशनल कंसेंसिस पैदा करना होगा और एक मिसाक के जमुरियत करना होगा जिस पर इकॉनमी के एक एक्सपर्ट भी कहते हैं कि अगर एक दस पंद्रह साल पॉलिसी के तहत इकानमी पॉलिसी नहीं आएगी और हकूमतों की तब्दीली के साथ मीषत की पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी तो ये मीशत कभी आगे नहीं बढ़ेगी और इसी ने इसको तबाह किया ये सब कुछ जानने के बावजूद पी टी आई ने साफ रिफ्यूज कर दिया और कहा कि कोई मिसाक की नहीं होगा सिर्फ एक मिसाक पर बात होगी और वो है डेमोक्रेसी फ्रेमवर्क फॉर इलेक्शन एंड नथिंग एल्स और वो पीटीआई जो शहबाज गिल के बयानी से पीछे हट गई थी और गायब हो गई थी कि उनकी पेशी तक पर पे नहीं जाती थी अब ऐलान किया है कि पूरी पीटीआई टी शहबाज गिल के पुष्ट पर खड़ी है और खूब खड़ी और कैसे खड़ी है कि अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था प्रेस ब्रीफिंग मलकिया बुखारी और वो सबसे बड़े डाकू तारीख के उमर गौर ऐब का बेटा ऐब खान का पोता उमर एयूब खरबों पति खरबों से भी कहीं वो लफ्ज भी नहीं है शायद अब मैथ की हिस्ट्री में तो कि कितने बड़े पति हैं ये लोग वो कह रहे थे कि शहबाज गिल को और राइट मिलना चाहिए अदालत में ये हो वो हो फाना हो तो खासाब को अपने सियासी मुखालफन की करप्शन नज़र आती है उन्हें एन आर ओ नहीं देंगे ख़ुद भी एन आर ओ लेंगे और अपने गिर जो लोग जमा किए हुए हैं उन्हें भी एन आर ओ देंगे बोब खान जिसने इस मुल्क में बदमाशी करप्शन और मुनाफा झूठ की बुनियाद रखी वो कल मैं कहना भूल गया था माइंड नहीं कीजिएगा कि ये जो आज़ादी के पटाखे फोलड़े जा रहे हैं ना इसकी बुनियाद भी खान ने रखी पहले अपने दस साल जश्न मनाया अपनी तरक्की का झूठी जिसने सब कुछ ख़त्म करके रख दिया वहीं से ख़राबियाँ पैदा हुई कि ट्रेनें चलाई गईं और कैटल शो और एंड दैट और फिर जया हक ने उसे आर्ट का दर्जा दिया ये रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ और ये सब कुछ करके इसके अलावा पाकिस्तान के या पाकिस्तानियों के पास है क्या इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना ये जहन में रखें कि ये हिस्टोरिकली अगर आप जाकर देखें कि रोमन जो चर्च था जो सामने हुक्मरान रख रक, रख के इन आवाम को कंट्रोल करता था तो उसने फेस्टिविटी को आगे फ़्रोक दिया कि कैटल शो हो रहे हैं और बुल्श फाइट हो रही है और मुख्तलफ़ मेले ठेले ताकि लोग बिज़ी रहें और असल मसाइल तो ये देखें नाचने गाना हर माशरे में और खासकर उन माशरे में जहाँ बहुत हफ्स हो सियासी घुटन हो वहाँ बहुत खुश खुशी के साथ इजाज़त दी जाती है कि नाचते हैं गाए नहीं आप असल मसाइल की तरफ बताइएगा तो फुलझड़ियाँ छोड़ते रहिए और खास ने भी ये किया फुलजड़ियाँ छोड़ी आपने नोट किया कि फुलझड़ियाँ कहाँ कहाँ छोड़ी गई जलसा किस जगह हुआ था अभी तेरह का कि ये ये भी गुलबर्ग का ही इलाका है जहाँ खास साहब की ये जो बदमाश अशराफिया रहती है जिनके करप खानदान जिन्होंने दौलत लूट कर बड़े बड़े मकान बनाए उनके बच्चे बाज़ गुलामी से अमरीका की निजात मांगते हैं जिनके सारे बहन भाई अमरीका में यूरोप में कनाडा में पढ़ते हैं कराची में बहरिया टाउन मलिक रियाज की बिल्डिंग के ऊपर से दिखाया गया फायर वर्क खोलिए आँखें खोलिए देखिए गौर से तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आपके साथ हो क्या रहा है देखिए जो अहम बातें वो कर लेते हैं अब सबसे पहले ध्यान में रखें कि परवेज़ परवेज़राई से जो सहूलत की शादी थी खास साहब की उसे कहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा एक महीना लगेगा इसे टूटने में क्योंकि जो दबाव है पहले तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चेंज करने की कोशिश की खास साहब ने परवेज़ के जो उनका पसंदीदा आदमी था उस पर फड्डा पड़ा फिर मॉडल टाउन वाले वाक़े पे पुलिस अफसरों को गिरफ्तार करना चाहते थे और सजाएं देना चाहते थे सियासतदानों को पकड़ना चाहते थे ताकि कशीदगी बड़े किसी सूरत से तेज आई आए मगर बड़ी मुश्किलों से कंट्रोल किया परवेज़ रही ने कि जनाब ये तो पूरी बेरोक्रेसी जो है ना हड़ताल पर चली जाएगी तो दस बीस एस उनको मत्ल करके क्योंकि गरीब पर कमज़ोर पर ही हमला होता है ना क्योंकि कल्चर तो पुलिस कल्चर में आपको ऐसे नज़र आता है बाकी तो किसी को दिखाया नहीं जाता ना हमेशा पहले गरीब को मार पड़ती जो कमज़ोर तरी गरीब तो ऐसे नहीं है मगर कमज़ोर वही है ना अगर रैंक वाइज देखें तो वो मामला दबाने की कोशिश की कि क्या क्या नाम उनका राना सनल्ला को भी गिरफ़्तार करना है और सबको सजाए मौत देनी है और लंबी लंबी गए छोड़ना और कोशिश ये करना कि जनाब नजर आए कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं सर पैर कोई नहीं है अगर इस तरह से मामला चलेंगे तो जो क्यास फैलना है उसका अंदाज़ा है अब इस क्यास के नतज़ क्या निकल रहा है मैं उस तरफ भी आऊँगा तो खास के बारे में जो मेरी तला है कि लोग वहाँ ये कह रहे हैं पंजाब में कि एक महीने चल जाए तो ये मामला बहुत होगा जैसे उनकी पहली शादी सहूलत की जो पिंकी से वह सबको पता है कि खत्म हो चुकी है एक अरेंजमेंट सहूलत के तहत साथ रह रहे हों तो रह रहे हों तो यह सहूलत की शादी भी ख़त्म होने जा रही है अच्छा इस सब का मस नतीजा क्या निकल रहा है जो कशीदगी बढ़ा रहे हैं कि राहदारी जमानते लोग ले रहे हैं भागे दौड़े फिर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ कि जी पच्चीस मई को क्या हुआ था उन अफरों को भी पकड़ लेना है सारा बड़े पैमाने पर पे जो इन प्रोग्रामों में डेढ़ दो साल से कह रहे हैं कि देखें अब कौमी हुकूमत ही इस मुल्क के मसाइल का शायद उसे बचा ले तो बचा ले इस रियासत को कि इकॉानमी ख़त्म हो गई है ये डॉलर का कहानी है मैं आपको बता चुका हूँ फ्रॉड है ये डार डारकानमी है कि पहले डॉलर सारा रख लिया छुपा के और फिर आप बेच के बता रहे हैं कि देखें मीशत मज़बूत हो रही है डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हो रहा है कि देखें दो सौ पचास रुपये से दो सौ आठ रुपये का आज बिक रहा है ओपन मार्केट में और ये कहते हैं एक सौ अस्सी तक जाएगा जब आईएमएफ के पैसे मिल जाएंगे और फिर डंके की पीटे जाएंगे कि देखें मैशियत कहाँ चली गई कि डॉलर एक सौ अस्सी रुपये वापस आ गया वैसे पहले कभी आपने सोचा था कि डॉलर सौ का होगा या डेढ़ सौ का हो जाएगा या दो सौ का हो जाएगा या ढाई सौ का हो जाएगा तो अब ये उस नफस्यात से खेल रहे हैं कि देखें डॉलर कहाँ से कहाँ ले आए फिर लोग ये भूल जाएंगे कि यार डॉलर तो कभी चालीस रुपये का भी था कभी साढ़े तीन रुपये का था कभी नब्बे रुपए का था और कभी सौ रुपए का था अभी एक सौ अस्सी पे मिल गया वाह वाह यह है रियासत की पॉलिसी तो कौमी हुकूमत के लिए काम शुरू हो चुका है और नेशनल कंसेंसस बनता जा रहा है कि अगर रियासत बचानी है तो ऐसे लोगों को लाकर जिनका सियासत से कोई भी ताल्लुक ना हो मुझे नहीं पता वो टेक्नोक्रेट्स होंगे पुराने रिटायर्ड बूढ़े होंगे जज होंगे कौन होंगे पुराने पॉलिटिशियंस होंगे मगर यह कि तीन चार साल का ये सेटअप ऐसे लाया जाए कि वो साफ़ शफाफ किस क्लियर काम करें और अपना काम ख़त्म करके जो इलाहत करनी है जो कुछ करना कराना है वो करके वो खामोशी से वापस चले जाएँ उसके लिए यकीन नजलिया का सहारा लिया जाएगा क्योंकि अब रास्ता कोई नहीं है नए इंतखबा हुए तो यकीन रखिएगा मुल टूट जाएगा लाख नवाज शरीफ को वापस ला रहे हों मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो आने वाले हैं और ऐलान हो चुके हैं कि जी सब उनका बहुत बड़ा इस्तबाल होगा अब देखना यह है कि इस्ताल कहाँ होगा लाहौर में होगा इस्लामाबाद में होगा और ये कहा जा रहा है कि जी उन्हें जेल नहीं जाने देंगे वो हमें मालूम है कहा वो जेल जा ही नहीं सकते अगर उनमें जेल रह में रहने की सलाहियत होती तो ये मुल्क यहाँ तक थोड़ी होता और जिसमें जेल में रहने का हौसला होता है वो ऐसे काम ही नहीं करता तो इन्हें पता है कि हम जेल में हमने रहने ही नहीं तो भाग जाते हैं और या भगवा दिए जाते हैं अच्छा आप जब तक नहीं भाग सकते भगवाए जा सकते जब तक आप ख़ुद बिलिंग ना हो तो इस सिचुएशन में सोचें क्या क्या होने जा रहा है फिर ये कंफर्म हो गया कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन पक्की मिल रही है हर जगह से इंडोस्टमेंट हो गया जो असल खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और आपको हालात नज़र आ रहे हैं और मैं आपको याद होगा मैं तीन दफ़ा बता चुका हूँ हवाले वजह वजूहत भी बता चुका हूँ कि कोई नीचे बगावत नहीं होनी कुछ नहीं होना अब ये देखना है कि दो साल की लेते हैं कि एक साल की लेते हैं तीन साल तो मुश्किल लगता है दो साल की मुझे नज़र आता है अच्छा फिर कश्मीर में मुजाहरे शुरू हो गए इंडिया के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी क्योंकि सूबा बनाने की बातें कर रहे हैं तो वहाँ के लेकर रहेंगे आज़ादी हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोगों को याद होगा कि पाँच अगस्त 2019 की शाम को मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि जो कुछ हुआ आज हिंदुस्तान के कश्मीर में वो सब अरेंजमेंट है वो पाकिस्तान के साथ है पाकिस्तान का कश्मीर जो है जनम मुशरफ का मंसूबा था जो पहले इंडिया के साथ मजाक हुए थे फिर क्या ने किसी इशारे पर क्योंकि खत्ते में डिस बैलेंस रखना है ना आदम तोज़ुन रखना है लड़ाई रखनी है कि तरक्की ना हो जाए खुशहाली ना आ जाए कश्मीरियों को समझना होगा कि आप इधर साथ रहें उधर रहें ये पौने बुद्धो बिनियल इस पूरे ख़त्े के लोग एक ही हैं इनकी फ़ितरत इनकी जहनीत वरना इतनी बड़ी आबादी दुनिया के सारे वसाइल मौजूद और दोनों तरफ़ अक्सरियत भूख से मर रही है लाख आपके पास इंडियन लाख है के हैं कि हमारे पास 600 बिलियन के करीब रिजर्वा हैं डॉलर के और ये है हमारी इकॉनमी 7.5 को भी फाड़ने जा रही है आज पे पहुंचने वाली है जो कहिए मगर गूगल कर लीजिए कि आपके यहाँ गरीब कितनी तादाद में रहते हैं और इंडियन जो लाइव शो आते हैं जो रियलिटी शोज़ आते हैं उनमें देखें वो बच्चे कहाँ से आते हैं उनके माँ बाप उनके बहन भाई उनकी ख़ुद की क्या हालत होती है ग़ौर से देखें आप लोग तो शुरू है क्योंकि पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं आप भी ऐसे ही क्योंकि एक लोग हैं याद रखिएगा कोई तब्दीली नहीं है कहीं पर भी किसी भी एंगल से कोई तब्दीली नहीं है अब मैं आपको आखिर में जाते हुए से वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि देखें जो यहाँ से बैठ कर और वहाँ से सलमान इकबाल जैसे लोग के ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करनी है और मगरबी तहजीब से जान छुड़ानी है ये अमेरिकन पाकिस्तानी अब क्या कर रहे हैं इनको कोई लिहाज नहीं है जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं नहीं, ना कोई शौर है मैं इनके शौर की इनकी सियासी बसीरत के लिए दुआ करूँगा कि अपनी नस्लों पर अपने आने वाले दिनों बच्चों पर रहम खाएँ पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत अच्छी बात है मेरे दिल में बसता है मगर जो लोग यहाँ से बैठकर या पाकिस्तान से बैठकर अमेरिका के यूरोप के मगरबी तहरीब के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं गुलामी से निजात की बातें कर रहे हैं इस्पेली जो अमेरिका में रहते हैं जिन्हें मैं जानता हूँ मैं आपको जो मैंने आपको बिगनिंग में वीडियो दिखाया ना कि दस साल बच्ची क्या कमाल हुनर से और उसका जज्बा देखें मगर जो लोग ये सियासत कर रहे हैं गुलामी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं इन्वर्ट कामा में जो मगरबी तहजीब के खिलाफ हैं जो अमेरिका के खिलाफ हैं उनके बच्चों का इस कम्यूनिटी से और अपने माँ बाप के मामला से कोई लेन लेना देना नहीं है उन्हें आज तक किसी ने देखा भी नहीं है तो ये वीडियो देखें और फैसला करें कि हम खासकर अमेरिकन पाकिस्तानी यूरोप के रहने वाले पाकिस्तानी गौर से देखें इस वीडियो को और अपने मुस्तकबिल अपने बच्चों के बारे में गौर करें अल्लाह। मेरे मियाँ बाहर होते हैं और वहाँ से उन्होंने मुझे कहा है कि तुम जरूर जाओ नुमाइंदगी करो वहाँ जाए अच्छा तो आप क्या समझती है की आप यहाँ पे क्या पैगाम लेके आई हम गुलाम नहीं है गुलाम किसके आपके हस्बैंड के कौन से मुल्क में वो यूएसए में है तो किसके गुलाम में अमेरिका के तो वो